हेलो एवरीवन, आज हम अपना पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपके क्वांट में पार्टनरशिप का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे आपको बैंकिंग एंड एसएससी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं प्री और मेंस में एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आगे स्लाइड में आपके क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन से पहले इनकी कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर ली जाए। तो अगर बेसिक्स के बारे में हम देखें तो आपका ये होता कैसा है। आपका टॉपिक मैंने बोला क्या है, टॉपिक आपका है ये पार्टनरशिप का। किसी भी टॉपिक का सबसे पहला इंट्रो जो होता है वो आपका होता है उसके नाम में। पार्टनरशिप का मीनिंग आपका क्या होता है, साझेदारी। हमने ये वर्ड सुना होगा कि पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करते हैं या फिर हम अपने दोस्तों के साथ किन्हीं भी चीजों में पार्टनरशिप करते होंगे। हम कहीं किसी पार्टी में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई पार्टनरशिप में अपना खर्चा आराम से बांट लेते हैं या फिर कोई काम शुरू करते हैं। बेसिकली आपके पार्टनरशिप से जुड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो वैसे आते हैं कि दो तीन लोग थे, उन्होंने किसी रेशियो कुछ पैसे इन्वेस्ट किए कुछ टाइम के लिए किया और फिर उनको प्रॉफिट हुआ, ऐसा कुछ। तो आप देखिए कि आपका जो प्रॉफिट पूछता है तो प्रॉफिट का रेशियो आपको मिलता कैसे। देखिएगा, प्रॉफिट का रेशियो जब आपको निकालना होगा तो ये आपका इक्वल होगा, सॉरी, ये आपका इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। प्रॉफिट का रेशियो जो आपका आने वाला होगा ये आपका कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मैंने फॉर्मूले में लिख दिया प्रॉफिट रेशियो इक्वल आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मींस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जब आप करोगे तो वहां से आपको जो मिलेगा आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्ट्स अ पार्टनरशिप। ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की विद रुपी 1500 एंड रुपी 2000। अब देखिएगा, ए बी दो लोग हैं और सामने में दो अमाउंट दिया गया है। जिस पर्सन का जिक्र पहले किया जाता है उसे पहले वाली वैल्यू दी जाती है, जिसका जिक्र एंड के बाद में किया गया उसे एंड के बाद वाली वैल्यू दी जाएगी। तो दो लोग हैं, लिख लिया ए बी। ए ने पार्टनरशिप कितने की है आपकी, 1500। बी ने आपकी कितने की पार्टनरशिप की है, 2000 की। अब दिया हुआ है कि आफ्टर 4 मंथ सी आल्सो ज्वाइंस, यानी इन दोनों में एक और पर्सन आपका ज्वाइन हो रहा है विद रुपी 2250। बट सी आपका कब आ रहा है, सी पर्सन आपका आफ्टर 4 मंथ्स। अब देखिए पूरी टाइमलाइन क्या है आपकी, तो पूरी टाइमलाइन आपको ये दी जाएगी। इफ बी विदड्रॉज हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ्स देन फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹900। देखिएगा कि जब आपको कोई टाइमलाइन नहीं दी जाती है तो हम उसे एनुअली कैलकुलेट करते हैं। एनुअली का मतलब है आपका कि 12 मंथ। अब सी आपका क्या आया है, सी आपका आफ्टर 4 मंथ्स आया है और इसके बाद उसके जाने के बारे में बात कहीं नहीं की गई है। अगर एनुअली हम काउंट कर रहे हैं, 12 मंथ हमारे पास में है, सी 4 मंथ के बाद आया, तो सी कितने मंथ रहेगा आपका, सी आपका रहेगा 8 मंथ तक। और 8 मंथ तक उसका कितना पैसा लगा रहेगा, 8 मंथ तक उसका पैसा लगा रहेगा ₹2250। बराबर है। अब बी का टाइम देखिए क्या बोला है, इफ बी विदड्रू हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ्स। बी ने अपना कैपिटल 9 मंथ के बाद विदड्रू कर लिया, तो मींस पार्टनरशिप में इसमें बी का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, 9 मंथ्स के बाद इसने विदड्रू कर लिया तो कितने मंथ तक उसका लगा रहा था, 9 मंथ तक लगा रहा था। ए के बारे में जाने के लिए कुछ भी बात नहीं की गई है, तो ए पूरे के पूरे 12 मंथ तक अपना पैसा पार्टनरशिप में लगा के रखेगा। बराबर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि प्रॉफिट का रेशियो आपको कैसे मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। ए का इन्वेस्टमेंट 1500, बी का इन्वेस्टमेंट ₹2000 एंड देन सी का इन्वेस्टमेंट आपका ₹2250। ये आपका क्या है, ये आपका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की बात की थी हमने, तो ये हमारे अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वाले। अब टाइम देखो, ए ने अपने पैसे कितने टाइम तक लगा रखे, पूरे एनुअल तक, तो मींस ये आपका टाइम हो गया 12 मंथ। बी ने अपना कैपिटल 9 मंथ के बाद में विड्रू कर लिया, तो बी ने कितने टाइम तक अपना पैसा लगा के रखा है, 9 मंथ तक। सी देखिए 4 मंथ के बाद आया था, फिर उसके जाने की बात नहीं की गई, तो अगर 1 ईयर तक इसको रहना है, 4 मंथ के बाद आया है, तो कितना टाइम बचा इसके पास में, इसके पास बचा 8 मंथ का। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आ गया। अब यहां से हमें लास्ट में क्या होगा, यहाँ लास्ट में भी नीचे में प्रॉफिट मिल जाएगा। बराबर है। तो अभी करते हैं, अब इनका रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो से करने का ऐसा का मेथड काफी इजी होता है।
देखिए रेशियो आपकी वो वैल्यूज होती हैं जिनमें आप दी गई वैल्यूज को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि किसी कॉमन नंबर का जब तक आपका डिवीजन हो रहा आप डिवीजन करते जाओ। आप देखिए ये जीरो एक एक जीरो आपके कट गए हैं, बराबर है। अब इसके बाद में ये नंबर्स आपके फाइव से कट सकते हैं, देखिए, क्योंकि फाइव से कट होने का, नंबर्स के डिवाइड होने का रूल होता है, क्योंकि नंबर का यूनिट डिजिट पे जीरो या फाइव हो तो आपका फाइव से कट जाएगा। फाइव थ्री ज़ा 15 जीरो, ये आपका जाएगा फाइव फोर ज़ा जीरो, ये आपका जाएगा फाइव फोर ज़ा फाइव फाइव सा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 12 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 9 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आपका 8 है। फाइव से भी एक बार और जा सकते हैं तो फाइव सिक्स ज़ा फाइव एट ज़ा फाइव नाइन ज़ा। इसके बाद देखिए ये आपकी फोर से एक बार और टेबल कट हो सकती है, फोर थ्री ज़ा 12, फोर टू ज़ा 8, फोर टू ज़ा 8। इसके बाद थ्री से एक बार और ये जा सकते हैं, तो थ्री वन ज़ा थ्री, एक बार कर ही लेते हैं, सिक्स थ्री ज़ा 18, यहाँ पर आपका आ गया नाइन टू ज़ा 18, यहाँ पर आपका कितना आ गया है नाइन टू ज़ा 18। अब देखिए 18 है तो 18 18 की टेबल से आप कट करोगे तो आपका प्रॉफिट का अल्टीमेटली रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1, ठीक है। हमें बोला क्या है, फाइंड दी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपी 900। हमें टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है 900 का, और मैंने पार्टनरशिप में आपको क्या बताया है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से जब आप सिंप्लीफाई करके लास्ट में पहुंचोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। अभी प्रॉफिट का रेशियो आपका कितना है 1:1:1, ए का प्रॉफिट का रेशियो 1:1, बी के प्रॉफिट का रेशियो 1:1, सी के प्रॉफिट का रेशियो भी 1:1। तो ऑल टोटल इन तीनों की रेशियो में प्रॉफिट वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है। हमारे पास में प्रॉफिट एक्चुअली कितना है, रुपी 900 है, तो ये 3 आपका कितने के इक्वल है, 3 आपका इक्वल है 900 के इक्वल। कितने का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए 300 का मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। हमसे पूछा है कि बी का प्रॉफिट बताओ, अब देखिए हमारी वैल्यू रेशियो में प्रॉफिट में कितनी थी 3, यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू 900 तक आने के लिए हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 300 का। और रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू तक आने के लिए हम जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेशियो से नंबर तक आने के लिए हम सॉरी रेशियो से एक्चुअल वैल्यू तक आने के लिए हम जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहाँ 3 से 900 तक आने के लिए हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, हमने मल्टीप्लाई किया 300 का। अब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की खासियत ये होती है कि हमें रेशियो में जिस भी रेशियो की वैल्यू चाहिए हो उसे आप इस 300 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए फाइंड दी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी। बी का प्रॉफिट शेयर अभी कितना है, बी का प्रॉफिट शेयर अभी है 1, हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर 300 का है, 300 से मल्टीप्लाई कर दो तो बी को अभी में कितना प्रॉफिट मिलने लगेगा, बी को अभी प्रॉफिट मिलने लगेगा 300 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी रुपी 300, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपी 50 एंड रुपी 45। आफ्टर 4 मंथ्स ए विथड्रू हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विथड्रू हाफ कैपिटल आफ्टर 6 मंथ्स। सी ज्वाइंस द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपी 70 आफ्टर 6 मंथ्स, फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कैसे आएगा, वो आपका आएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। तो हमें इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपी 50 एंड रुपी 45। ए ने 50 रुपीज लगाए और बी ने हमारे 45 रुपीज लगाए। अब बोल रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए विदड्रू हाफ ऑफ हिज कैपिटल। आफ्टर 4 मंथ के बाद उसने हाफ विदड्रॉ किया, यानी कि हाफ आपकी जो भी कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई थी वो पूरे 4 मंथ तक तो रहेगी रहेगी, तो ये 50 आपका पूरे पूरे 4 मंथ तक रहा, क्योंकि बोल रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए विदड्रू हाफ ऑफ हिज कैपिटल। अब 4 मंथ के बाद वो कितना पैसा लगाएगा, पहले 50 था, इसका हाफ अगर विदड्रॉ कर लेगा तो अभी कितना लगाएगा, अभी वो लगाएगा 25, ठीक है। ए के बारे में हो गया, आगे दिया है कि बी विदड्रू हाफ कैपिटल आफ्टर 6 मंथ्स, यानी बी का पूरा कैपिटल 6 मंथ तक लगा रहा, बी का पूरा कैपिटल आपका 6 मंथ तक लगा रहा। अब इसके बाद हाफ विदड्रू करता है 6 मंथ के बाद में, तो 6 मंथ के बाद का जो भी टाइम फ्रेम होगा वहां पर हाफ विदड्रू कर लेगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, 45 का हाफ निकालोगे आपके पास कितना आएगा 22.5। अब दे रखा है एंड सी ज्वाइंस द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 70। इन्हीं बीच में सी 70 रुपीज लेकर के पार्टनरशिप में बिजनेस में ज्वाइन हुआ,
कब ज्वाइन हुआ ये? आफ्टर सिक्स मंथ, सिक्स मंथ के बाद ज्वाइन हुआ। देखिए जब भी आपको फाइनल टाइम पीरियड ना दे रखा हो तो हम उसे क्या करते हैं, एक एनुअल यानी एक ईयर मानते हैं। अब एक ईयर में अगर 12 मंथ है, सी आफ्टर सिक्स मंथ आ रहा है, तो ये कितने टाइम तक रहेगा? ये सिक्स मंथ तक रहेगा, ठीक है। अब देखिए ए का 50 रुपीस का कैपिटल फोर मंथ तक लगा था, फिर उसने हाफ विड्रॉ कर लिया तो 25 बचा, फोर मंथ यहाँ हो गए, अब एट मंथ के लिए और लगेगा तो इसका 12 मंथ हो गए। बी का इतना पैसा 45 सिक्स मंथ तक लगा था, आगे के पैसे को भी सिक्स मंथ के लिए दे दो, 12 मंथ हो गए, बराबर है। तो ए बी स्टार्टिंग से आए थे, सी सिक्स मंथ के बाद आया, तो सी लास्ट के सिक्स मंथ रहेगा। अब इनका हमने इससे पहले जैसे रेशियो निकाला था, सेम उसी तरीके से इनका हम रेशियो निकाल करके प्रॉफिट रेशियो तक पहुंच जाएंगे। यहां पर आपका होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और यहां लास्ट में आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रॉफिट का रेशियो, बराबर। करते हैं, देखिए 54 जा 200 और प्लस में आपको 25, 4 जा 100, 8 जा आपका हो जाएगा 200। ये तो यहां पर आप करोगे तो 45 6 जा 45 2 जा 90, तो 93 जा आपका हो जाएगा 270। इधर हो जाएगा 22 6 जा 6 5 जा 30 0 आया, 6 5 जा 30 0 आया, 6 2 जा 12 3 15 कैरी आया 1, 6 2 जा 12 1 ये आपका आ जाएगा 13, और यहां पर आपका आ जाएगा 7 6 42 0। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए, इनके रेशियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो पहले सम करें, ए की वैल्यू 400 आ गई, बी की वैल्यू आपकी आ गई है 5 7 3 10 2 1 3 1 4, और सी की वैल्यू आ गई आपकी 420। अब देखिए यूनिट पर 0 5 और 0 है, और यूनिट वैल प्लेस पर जब भी आपको 0 और 5 मिलता है तो वो नंबर आपका कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होता है। कट करते हैं, 5 8 40 0 लिखा, 5 8 40 5 1 5 लिखा, और ये आपका 5 8 40 और 5 4 20 लिखा। तो अभी देखिएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो इनका क्या आ चुका है, ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो आपका आ चुका है 80:81:84। ये भी और नहीं कटेंगे तो सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू ये आपकी आ गई प्रॉफिट की, इनकी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 80:81:84। क्लियर है, करना सिर्फ इतना ही है। पार्टनरशिप में याद रखिए किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम तक के लिए किया, और इसी इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको किसका रेशियो मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपीज 16,000 एंड 15,000। आफ्टर थ्री मंथ्स ए विदड्रॉज रुपी 5,000 एंड बी इन्वेस्ट रुपी 5,000 मोर। सी ज्वाइन द बिजनेस विद रुपी 21,000 नेक्स्ट आफ्टर थ्री मंथ्स। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 24,900 देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें क्या पता चला है कि हमारे पास में तीन लोग हैं इस बिजनेस में, तो तीनों का नाम लिख लीजिए, एक आपका ए हो गया, बी हो गया, एक सी हो गया। अब ए और बी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं बोल रहा है, ए के पास ने लगाया 16,000, बी ने लगाया 15,000, तो लिख लीजिए ए का आपका हो गया 16,000, बी का आपका हो गया है 15,000, बराबर इतना हो गया। अब बोल रहा है आफ्टर थ्री मंथ्स ए विद्रॉज रुपी 5,000। ए कब विद्रॉ करता है? ए आपका पैसे विद्रॉ करता है थ्री मंथ के बाद में, मीन्स थ्री मंथ तक इतना तो लगा ही रहा होगा। अब इसके बाद कितना विद्रॉ करेगा? विद्रॉज रुपी 5,000, 5,000 विद्रॉ कर लिया, 16,000 लगाया था, तो अभी उसके पास में कितना बचेगा? अभी उसके पास बचेगा 11,000 का, क्योंकि 16,000 रुपीज उसने लगाए तीन महीने तक, अब तीन महीने के बाद 5,000 निकाल लिए, तो अभी उसका इन्वेस्टमेंट कितने का रह जाएगा? 11,000 का रह जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है बी इन्वेस्ट रुपी 5,000 मोर, बी 5,000 और इन्वेस्ट करता है, बट कब इन्वेस्ट करता है? स्टार्टिंग में दिया हुआ है आपको आफ्टर थ्री मंथ्स इन्वेस्ट करता है वो, तो आफ्टर थ्री मंथ का मतलब है कि पहले जितना लगाया था उतना पूरा पूरा थ्री मंथ तक लगा रहेगा, उस अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब तीन मंथ के बाद वो 5,000 और इन्वेस्ट करता है, 15,000 पहले है, 5,000 और इन्वेस्ट करेगा, तो उसके पास कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। और अभी इसका टाइम आगे में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आगे सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी ज्वाइन द बिजनेस विद रुपी 21,000 नेक्स्ट आफ्टर थ्री मंथ्स। लिखा हुआ है कि सी 21,000 रुपी के साथ में बिजनेस ज्वाइन तो करता है, बट कब ज्वाइन करता है? नेक्स्ट आफ्टर थ्री मंथ्स। देखिएगा कि नेक्स्ट आफ्टर थ्री मंथ्स का मतलब होता है कि थ्री मंथ्स पहले हो चुके हैं, नेक्स्ट आफ्टर थ्री मंथ्स यानी थ्री मंथ्स बीतने के बाद थ्री मंथ्स और, मींस सिक्स मंथ के बाद में आता है ये। अब बोल रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट इज 24,900 देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो देखिएगा कि जब भी मैंने बोला है कि टाइम फ्रेम ना दिया हो तो आप उसे क्या करोगे? एनुअल मानोगे, एनुअल मींस वन ईयर मानोगे।
अब सी 6 मंथ के बाद आया तो कितने महीने तक रहेगा, 6 मंथ तक रहेगा। बी की पहले अमाउंट 3 मंथ तक लगा हुआ था तो बाद वाला लगेगा 9 मंथ तक, जिससे इनका 12 यानी एक एनुअल पूरा हो जाए। ए आपका 3 मंथ है तो ए का बाकी वाला जो भी अमाउंट होगा वो कितने टाइम तक लगेगा, 9 मंथ तक, क्योंकि जब भी हमें कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम वैल्यू को क्या मानेंगे, हम वैल्यू को मानेंगे 12 मंथ, मीन्स कि 1 ईयर में सब कुछ आपका चल रहा है, बराबर है। अब इन्हें करना शुरू करते हैं। अब देखिए जब सिंप्लीफाई करना है तो सभी में 1000 1000 है, तो सभी टर्म के थाउजेंड को आप गायब कर दो तो आपका छोटा हो जाएगा। इसका 1000 भी किया, इसका 1000 भी, इनका 1000, इनका 1000, इनका 1000, बराबर है। अब इसके बाद देखिए इन्हें आप लिख सकते हैं 16 × 3 आएगा ये आपका, और यहाँ पर प्लस में आएगा आपका 11 × 9, ये आपका आ जाएगा 15 × 3, ये आपका प्लस में आ गया 20 × 9, और ये आपका आ गया है 21 × 6। देखिएगा कि जब आपके हर एक टर्म में, जब आपके हर एक टर्म में कोई वैल्यू हो तो उसे आप इस तरीके से कट करके छोटा कर सकते हो। अभी हम ये 1000 के लिए लिख भी रहे हैं 3 जीरो, कुछ टाइम के बाद हम ये 3 जीरो भी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली 16000 को 16, 15000 को 15, 21000 को 21 ऐसे लिखेंगे। अभी देखिए इन सभी आपके जो भी टर्म है सभी में 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो आप 3 को भी कट कर सकते हो। तो 3 यहां से गया, 3 1 3 3 3 9 3 1 3 3 3 9, इसके बाद आपका 3 7 21, बराबर। अब इन्हें आप कर लो, ये आपका आ जाएगा 16 प्लस में 33, ये आपका आ जाएगा 15 प्लस में 23 जा 60 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 6 42। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 33 6 39 10 49, ये आपका आ जाएगा 75, और ये आपका आ जाएगा 42, बराबर है इतना। अब हमें इसने बता रखा है कि टोटल प्रॉफिट इतना है, हम रेशियो में देख लेंगे इनका टोटल प्रॉफिट कितना है। तो रेशियो में इनका टोटल प्रॉफिट अभी आएगा ये 5 2 7 7 9 16, कैरी है 1 4 1 5 7 5 12 12 4 16, इनका कितना गया 166, और इस 166 की वैल्यू बराबर है आपके 24900 के। देन आपको बताना है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, फाइंड द शेयर ऑफ सी। आपका पार्टनरशिप कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से हमने किया। पहले 16000 था इसका, 3 मंथ तक लगा था, 3 मंथ के बाद इसने 5000 विथड्रॉ कर लिए ए ने, तो ए के पास कितना बचा था आपका 11000। अब ये कितने टाइम के लिए लगेगा, 9 के लिए। इसके बाद बी ने कितना लगाया था 15000 का अमाउंट, और इनका था कि 3 मंथ्स के बाद में, 3 मंथ इतना था, और फिर इसने 5000 मोर इन्वेस्ट किए, तो इसका होगा 20000 × 9। और सी के बारे में था कि उसने 21000 से ज्वाइन किया, और ज्वाइन कब किया, नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स, यानी इसने 6 मंथ के बाद में ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट वाली लाइन में इनके सभी इन्वेस्टमेंट एंड टाइम के बारे में आ गया था, सेकंड में सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो पहले सभी का हमने 1000 गैप कर दिया। अब 1000 हटाने के बाद में इधर में 16 × 3 11 × 9 15 × 3 + 20 × 9, और सी में 21 × 6। अब फिर हम इसको 3 से सिंप्लीफाई किया हमने, तो 3 गया आपका 3 3 9, 3 गया यहां से 3 3 9, 3 7 21, ये आपका आ गया 16 + 33, ये आपका आ गया 15 + 60, और ये आपका आ गया है 7 6 42, ये आपका आ गया 6 3 9 3 1 4 75 42। लास्ट में आपको किसका प्रॉफिट का रेशियो इनके मिल चुका है। अब रेशियो में इनका टोटल प्रॉफिट कितना है, ऐड कर लिया हमने तीनों को, 5 2 7 9 7 16, कैरी आया 1 7 4 11 + 1 12 12 4 16, ये आपका टोटल प्रॉफिट किस में आ चुका है, रेशियो में आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा है कि वो देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। अब देखिए टोटल शेयर आपका कितना है, टोटल शेयर है आपका 166। अब 166 में से सी को कितने देने हैं, सी को देने हैं आपको 42, और टोटल हमारे पास में पैसा कितना है, टोटल हमारे पास में पैसा है 249 00, बराबर है इतना। अब इन्हें देखते हैं कि इन्हें कट कर ले हम कुछ, तो 2 से तो आपका कट ही जाएगा ये, 2 2 4 2 1 2 2 8 16 आपका जाएगा 2 3 6, बराबर है। अब देखिए 83 से, एक सेकेंड, हाँ 83 से 3 में आपका कट सकता है ये, तो आपका जाएगा 300। अब 21 × 300 बराबर आपका कितना आ जाएगा 6300, तो ये आपका आंसर आ गया 6300 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी।
लास्ट वाली कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझिएगा कि उसने हमसे सी का शेयर पूछा है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट उनका है 166, तो इसे हम नीचे रखेंगे। अब 166 में से सी का पार्ट कितना है, 166 में से सी का पार्ट है आपका 42, तो 42 को ऊपर रखेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमें जो भी ओरिजिनल में टोटल प्रॉफिट दे रखा है उससे। तो इस तरीके से आपका इजिली शॉर्ट में किया जा सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर फुल टाइम। इफ द टोटल प्रॉफिट इज रूपी 23,000 देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। हमने स्टार्टिंग से ही सीख रखा है कि अगर हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकालना पड़ेगा, बराबर है? तो सेम उसी फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। तीन लोग हैं हमारे, ए बी सी, बराबर। अब ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, ए ने 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल इसने किया, तो लिख लेते हैं 1/6 पार्ट इसने दिया होगा और कितने टाइम के लिए दिया, इसने दिया है 1/6 टाइम के लिए। ये आपका कैपिटल है, ये आपका टाइम है। देन आपका है कि बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, बी ने 1/3 पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए, 1/3 टाइम के लिए। अब बोला सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल, तो रेस्ट ऑफ द कैपिटल आपका बचा कितना, रेस्ट ऑफ द कैपिटल बचा कितना हमें ये देखना है। ए का कैपिटल है 1/6, ए ने 1/6 दिया है, बी ने दिया है आपका 1/3 पार्ट दिया है, तो इन्होंने टोटल कितने पार्ट इन्वेस्ट किया, 6/3 का एलसीएम लेंगे नीचे में, 6 आएगा, 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6, ये आपका कितना जाएगा 3/6, यानी आपका कितना जाएगा 1/2। मतलब ये है कि ए और बी ने मिलकर के आपका टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, इन्होंने 1/2 पार्ट कर दिया है। अब अगर इन्होंने 1/2 कर दिया है और सी इन्वेस्ट करता है आपका रेस्ट कैपिटल, तो 1/2 इन्होंने कर दिया, तो बाकी कितना बचा आपका, अगर के कैपिटल 1 है उसका हाफ पार्ट ए भी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो बाकी बचा हुआ सी करेगा, तो सी करेगा हाफ कैपिटल इन्वेस्ट। और ये कितने टाइम के लिए करता है, बोला फॉर फुल टाइम। अब फुल टाइम का मतलब क्या है कि फुल टाइम मींस क्या है, इन्होंने ए ने 1/6 किया, बी ने 1/3 किया, बी पूरा फुल टाइम मींस 1 वैल्यू वो करेगा 1 पूरे टाइम के लिए, बराबर है इतना। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी 1/36, बी के आपकी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1/9 और सी के इन्वेस्टमेंट टू टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, बराबर। अब इसके बाद इस रेशियो को हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये इनवर्स में आपके रेशियो लिखे हुए हैं अपॉन में करके, और जब भी अपॉन में आते हैं तो आप इन्हें सिंपल करके इनका आंसर निकालते हो। तो करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा है कि या तो आप नीचे वाली सभी वैल्यूज का एलसीएम ले लो और या फिर आप एक करके एक को करते चले जाओ। अगर ए का आपको रेशियो निकालना है तो बी और सी वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई में लिखो, वहां पर 9 × 2, बी वाली रेशियो की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ए और सी की वैल्यू का आप मल्टीप्लाई लिखो, जो फ्रैक्शन में 36 × 2। अब सी का अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप ए और बी के नीचे जो फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 36 × 9, बराबर है। ए में करना है तो क्या करो, आप ए वाली वैल्यू को छोड़ करके आप बी और सी को लिखो 9 × 2। अब बी वाले में आपको लिखना है तो आप बी को छोड़ करके ए और सी वाली वैल्यू को लिखो 36 × 2, और इसके बाद जब आपको सी में लिखना है तो आप सी की वैल्यू छोड़ करके ए और बी वाले दोनों जो भी डिनोमिनेटर में थे 36 × 9 लिख लो। अब इसमें जो भी वैल्यूज आपकी कट हो रही उन्हें आप कट कर दो। ये देखिए आपका ये 9 × 2 = 18 है, 18 × 2 = 36, 18 × 2 = 36। तो सामने में यहाँ पर आपका 1 बचा, यहाँ आपका 2 × 2 = 4 बचा और यहाँ आपका 2 × 9 = 18 बचा, बराबर है इतना। तो ये आपका इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। अब बोला इफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपी 23,000 फाइंड द शेयर ऑफ बी। अब ये टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना हो जाएगा, इसे ऐड कीजिए, 18 × 4 = 22, 21 आपका कितना हो जाएगा 23, ये आपका कितना होगा 23 हो गया है। अब हमें किसका चाहिए, हमें बी का चाहिए। इस 23 टोटल प्रॉफिट में से बी का प्रॉफिट कितना है 4, तो आप इधर लिख लो टोटल 23 में से आप बी को कितना दोगे 4 दोगे, और आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है आपका 23,000 का, टोटल प्रॉफिट आपका 23,000 का, 23 × 1 = कट जाएगा आपका 1,000 आ जाएगा, तो बी का प्रॉफिट आपका कितना आ गया है 4,000 रुपीस, आंसर ऑप्शन नंबर ए, बराबर। फ्रैक्शन में देने की वजह से चीजें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, बट कोई बात नहीं है। अगर कोई एक आपकी पूरी वैल्यू है, 1/6 पार्ट ए ने इन्वेस्ट किया, 1/3 बी ने किया, तो इन दोनों ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया 1/2 पार्ट, तो अब सी को बोल रहा है कि रिमेनिंग करेगा, तो सी रिमेनिंग कितना करने वाला है,
अगर एक कोई वैल्यू है उनमें से हाफ पहले से इन्वेस्ट कर चुका है तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी? पूरे एक में से हाफ निकालोगे तो बचेगा हाफ, इसी हाफ को सी ने इन्वेस्ट कर दिया। बाकी लोगों ने पार्ट वाले टाइम में इन्वेस्ट किया था, ए ने 1/6 टाइम के लिए, बी ने 1/3 टाइम के लिए, सी ने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो पूरा टाइम मतलब क्या हुआ, पूरा 1 इसने इन्वेस्ट किया। अब सेम ऐसे ही करना है कि इनका हमने वैसे ही सिंप्लीफाइड रेशियो निकाला। जब भी आपके ऐसे रेशियो ऐसे डिनोमिनेटर में आने लगे, ए अपॉन बी के फॉर्म में आने लगे, तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम के चक्कर में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप क्या करो, जब आपको ए का रेशियो चाहिए तो आप बी और सी के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिख लो, जब आपको बी का रेशियो चाहिए तो आप ए और सी के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिख लो 36 × 2, जब आपको सी का रेशियो चाहिए तो उसमें आप ए और बी के अपॉन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिख लो। ये देखिए यहाँ का 36, यहाँ का 9, हमने यहाँ सी वाले में लिख लिया है, बराबर है। अब फिर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो जिस किसी भी कॉमन टेबल से कट हो रहे उन्हें कट कर दो। ये देखिए आपका 9 × 2 = 18 होगा, तो हमने 9 × 2 = 18 को एक ही बार में कट कर दिया, 18 × 36, 18 × 36, 18 का तीनों में डिवाइड चला गया। यहाँ आपका ए में बचा 1 रेशियो, बी में बचा 4 रेशियो, सी में बचा 18 रेशियो। अब हमें टोटल प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, तो हम देख लें कि हमारे रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना है। तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, ऐड कर दिया 18 + 4 = 22 + 1 = 23। अब बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा हमारा बेटा कितना है, बी का हमारे साथ 4, और आउट ऑफ कितना है 23। तो आउट ऑफ टोटल वाली वैल्यू को नीचे रखना, अब इसमें से जो वैल्यू देनी है बी को उसे ऊपर रखना 4, और हमारा टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो 23,000 से। 23 से कट जाएगा, ये आपका 1000 आ जाएगा, 4 × 1000 आपका कितना हो जाएगा, 4000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एज इट इज उसी तरीके का है, तो ध्यान से कीजिएगा। दिया है कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल फॉर 1/4 टाइम, बी इन्वेस्ट 1/5 कैपिटल फॉर 1/2 टाइम, एंड सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर फुल टाइम। सी इसके बाद में आपका रिमेनिंग कैपिटल पूरी तरीके से इन्वेस्ट करता है, तो जैसा लास्ट क्वेश्चन था उसी तरीके का है, ध्यान से करते हैं इसको भी। ए बी सी 3 लोग हैं, ए इन्वेस्ट 1/4 ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल लिख लीजिए 1/4 किया, कितने टाइम के लिए किसने, 1/4 टाइम के लिए, 1/4 कैपिटल 1/4 टाइम के लिए, 1/4 कैपिटल 1/4 टाइम के लिए। बी के बारे में बोल रहा है 1/5 कैपिटल, और इसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 1/2 के लिए। अब बोल रहा है सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल, तो रिमेनिंग कैपिटल की वैल्यू आपके पास में आएगी क्या, ये देखते हैं। ए ने आपका 1/4 इन्वेस्ट किया है और बी ने कितना किया, 1/5, तो इन दोनों ने मिल करके कि आपका कितना किया है, 1/4 + 1/5। अभी टोटल कितना आ जाएगा, 5 × 4 का एलसीएम 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 + 4 = 9/20। तो ए प्लस बी ने आपका कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ए प्लस बी ने आपका इन्वेस्टमेंट किया है 9/20। अब टोटल 1 इन्वेस्टमेंट रहा होगा, अब अगर 9/20 इन्होंने कर दिया है तो बचा हुआ 11/20 मीन्स आपका जो भी रिमेनिंग होगा, आपका जो भी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी आपका इन्वेस्टमेंट करेगा 11/20 का। और सी के बारे में टाइम क्या दे रखा है, फॉर फुल टाइम, सी ने फुल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, यानी पूरा एक जो आपकी पूरी एक वैल्यू होती है इसने पूरे उस 1 टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया इसका। अब ए को देखिए आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/16, सिंपल करेंगे तो, इसे करेंगे तो 1/10, और सी को करेंगे तो 11/20। अब इसमें भी देखिए आपके फ्रैक्शन में आ गए रेशियो, तो फ्रैक्शन के आपके जो भी डिनोमिनेटर में रेशियो ने कैसे गैप करना है, हम क्या करते हैं, अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, बी और सी के फ्रैक्शन वाले से डिनोमिनेटर वाले से आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो ए में आ जाएगा 10 × 20, बी में क्या आ जाएगा आपका, बी में आ जाएगा आपका ए का 16 और सी का 20 आ जाएगा आपका, 16 × 20। देन जब आप सी में जाओगे तो सी में आपका क्या आ जाएगा, देखो जो नंबर ऊपर है 11, उस 11 को वैसे ही रहने दो, और फिर मल्टीप्लाई में क्या लाओगे आप, ए के नीचे वाला नंबर और बी के नीचे वाला नंबर, तो क्या आएगा 16 × 10। बस अब जस्ट एक लाइन का क्वेश्चन है इनका, यहाँ पे हम अभी क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट रेशियो मिलने वाला है, इसे सिंपल कर लें बस। सभी में एक एक जीरो है और सभी मल्टीप्लाई में कट गए आपके। इसके बाद आप देखिएगा कि आप इन्हें 2 से भी कट कर सकते हो, तो आपका ये 2, ये 2 गया, और यहाँ से आपका 2 8 16 गया। इसके बाद 2 से एक बार और ही आपका जा सकता है, 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8,
तो आपका रेशियो आ जाएगा 5:8:44 का। हमें दे रखा हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ रुपी 1140, प्रॉफिट ऑफ रुपी 1150, मतलब है कि पूरा पूरा प्रॉफिट उनका 1140 का है। हम रेशियो में देख लें कि इनका पूरा प्रॉफिट कितने का होता है, तो 44852 52 + 5 ये आपका आ जाएगा 52 + 5 ये आपका आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो हमसे उसने रेशियो ही पूछा हुआ था, तो यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, पैसे में नहीं बताना है, 5:8:44 ऑप्शन नंबर सी। अब सपोज इनमें से किसी का भी हिस्सा पूछता तो हम क्या करते हैं, सपोज अभी सी का हिस्सा पूछता तो सी का हिस्सा कितना है आपका 44 है और टोटल प्रॉफिट कितना है 57, तो 57 में से सी को 44 देना है। अब रुपीज में पूछा हुआ है तो टोटल रुपीज हमारा कितना है 1140 रुपीज। अगर सी का हिस्सा पूछता तो हम क्या करते इस तरीके से निकाल लेते, इससे पहले के क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ था, अभी डायरेक्टली उनका सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछ लिया, बराबर इतना। हम क्या लगा रहे हैं अभी तक, पार्टनरशिप में हम लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आपका किसका रेशियो आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आपका रेशियो आता है प्रॉफिट का, बराबर है। अगर आप ये छोटी सी बात याद रखते हो तो आपके इसके चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। आपका पार्टनरशिप का पूरा पूरा बेसिक ही इन्हीं पर बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट टाइम एंड प्रॉफिट, आई रिपीट इन्वेस्टमेंट टाइम एंड प्रॉफिट, इन्हीं तीनों वर्ड पर आपका पूरा पूरा पार्टनरशिप का चैप्टर चलता है कि किसने कितना इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और उसका प्रॉफिट में रेशियो क्या होगा, उसके प्रॉफिट में हिस्सेदारी क्या होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल इन 5:6:8, एट द एंड ऑफ बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर व्हिच दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। ए बी सी ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कैपिटल का रेशियो हो गया इनका ये, अब एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशियो उनका 5:3:12, अब पूछ रहे फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर व्हिच दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। तो आप देखिए कि जब आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना होता था, प्रॉफिट का रेशियो जब आप निकालना होता था तो कहां से आता था आपका, प्रॉफिट का रेशियो आपका आता था कैपिटल इनटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो आपका कैसे आता था, प्रॉफिट का रेशियो आपका आता था इक्वल में कैपिटल इनटू टाइम से। हमें उसने क्या दे दिया, हमें उसने कैपिटल दे दिया है, हमें उसने प्रॉफिट का रेशियो भी दे दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा रेशियो ऑफ टाइम। तो इसी फॉर्मूले से अगर आप देखो, अगर आपको यहां से टाइम निकालना है तो इधर टाइम को रखिए, अब टाइम और सामने में आपका क्या है प्रॉफिट, तो सामने में आपको प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। अब कैपिटल और टाइम यहाँ पर क्या है आपके मल्टीप्लाई में है, तो कैपिटल दूसरी ओर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इक्वल टाइम। बस इसी से आपका क्वेश्चन अभी तुरंत हो जाना है। ए बी सी है, करते हैं क्या, कैसे करना है हमको, टाइम का रेशियो में कैसे लाना है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल से। तो प्रॉफिट का रेशियो देखिए, प्रॉफिट का रेशियो क्या आपका 5:3:12, ठीक है। अब प्रॉफिट को हमें किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है कैपिटल से, कैपिटल का रेशियो उनका कितना था, ए का 5, बी का 6 और सी का 8, बराबर है। अब बस इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 5 1 1 कट गया, ये आपका 1/1 मीन्स 1 आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, 4 2 8 आ जाएगा। अब इनका रेशियो आएगा 1:1/2, 3/2। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके नीचे फ्रैक्शन में मींस डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आती है रेशियो में, तो आप चाहो तो उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मैंने आपको बताया था कि एक की वैल्यू चाहिए तो दूसरे से कर लो। अभी देखिए इनमें जिसमें भी नीचे में डिनोमिनेटर है वो कितना है, वो आपका 2 है, तो अगर इस 2 को हटाना है तो हम इन सब में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा जैसे ही कि रेशियो में आप किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो सभी टर्म्स को, उसी तरीके से आप किसी सेम नंबर से इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे में 2 2 है, इन्हें भगाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं, तो हम इन सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, तो इनका रेशियो आपका कितना गया, 2 1 2 1 3 2 1 3, ये आपका 2 1 2 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 3 1 3 आ गया, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 2:1:3, ठीक है। करना क्या था, उसने कैपिटल का रेशियो दे दिया, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया,
हमें मालूम है प्रॉफिट का रेशियो हमारे कैसे आता है इक्वल से, प्रॉफिट का रेशियो इक्वल होता है हमारा कैपिटल इनटू टाइम के। तो अगर हमें टाइम का रेशियो चाहिए तो टाइम का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस कैपिटल को दूसरी ओर में भेज दें तो आपका प्रॉफिट अपॉन कैपिटल हो जाएगा। अब आपके माइंड में यहीं पर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर अगर कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सेम इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से आएगा ये, आपका कैपिटल के इक्वल में आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा। अब इस साइड से अगर आप टाइम को भेज रहे हो, टाइम अभी कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जब जाएगा इक्वल के दूसरी साइड में तो मल्टीप्लाई वाली चीजें कहाँ चली जाती हैं, आपकी डिवाइड में चली जाती हैं। तो कैपिटल का रेशियो आपका कैसे आता, प्रॉफिट अपॉन में टाइम से, बराबर है। तो क्या था आपका, ए का प्रॉफिट था आपका रेशियो में 5 लिख दिया, बी का प्रॉफिट था 3 लिख दिया, सी का प्रॉफिट 12 लिख दिया। अब प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करना है, ए का कैपिटल था रेशियो में 5 डिवाइड कर दिया, बी का 6 था 6 से डिवाइड कर दिया, सी का 8 था डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर जब आपका फ्रैक्शन में आया तो मैंने क्या किया, किसी ऐसे नंबर से सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया कि जिनसे आपका वो फ्रैक्शन वाले जो डिनोमिनेटर वैल्यू आपकी कट जाए। तो 2 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आपके कट गए डिनोमिनेटर वाले, 2 वन जा 2, 1 वन जा 1, 3 वन जा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका भी। ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ्स एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, इन्वेस्ट मनी 4 मंथ्स एंड क्लेम 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट, बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ्स एंड क्लेम 1/3 ऑफ प्रॉफिट, व्हाइल सी इन्वेस्ट ₹1560 फॉर 8 मंथ्स, हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट। अभी ये पूछ रहा है, देखो बता क्या रहा है कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया और कितना प्रॉफिट इन्होंने क्लेम किया। तो एक चीज इनमें क्या मिसिंग है, हर ओर आपको क्या दिख रहा है, हर ओर आपको दिख रहा है कि इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ्स, आपको टाइम दिख रहा है 4 मंथ्स का, क्लेम दिख रहा है 1/8 ऑफ प्रॉफिट का, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट दिख रहा है 6 मंथ्स के लिए यानी टाइम, फिर आपका क्लेम दिख रहा है 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो आपका इन सभी में मिसिंग क्या है, आपको टाइम मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपका मिसिंग क्या है, मिसिंग आपका है कैपिटल। और कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैपिटल का मैंने यहाँ पर लिख के दिया, कैपिटल आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन में टाइम से। तो चलते हैं करते हैं आगे कि ये प्रॉफिट कितना कितना क्लेम करते हैं ये देखते हैं। ए आपका कितना प्रॉफिट क्लेम करता है, ए आपका प्रॉफिट क्लेम करता है 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट, ए ने 1/8 ऑफ प्रॉफिट मांगा, नहीं ए का प्रॉफिट 1/8 रहा होगा। अब इसके बाद बोल रहा है एंड और इसका टाइम कितना है, इसका टाइम है 4 मंथ का, हमें क्या करना है प्रॉफिट में टाइम का डिवाइड करना है, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब बोला है कि बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ्स एंड क्लेम 1/3 ऑफ प्रॉफिट, बी को 1/3 का प्रॉफिट चाहिए और इसमें हमें टाइम का डिवाइड करना है, बी कितने के लिए टाइम के लिए था आपका 6 मंथ के लिए था, व्हाइल सी इन्वेस्ट ₹1560 फॉर 8 मंथ्स, हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट। अब यहीं पर आपका है कि देखो सी के लिए उसने इन्वेस्टमेंट का रुपये दे दिया है, आप इस चक्कर मत पड़िए, आप देखिए कि ए और बी ने कितना प्रॉफिट लिया, ए प्लस बी का अगर हम प्रॉफिट देखें तो ए ने प्रॉफिट लिया आपका 1/8 और प्लस बी ने लिया 1/3, ऐड करोगे ये आपका आ जाएगा 3 + 8 / 24, ए और बी ने कितना प्रॉफिट लिया आपस में 11/24 लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका, रिमेनिंग बचा आपका 1 - 11/24, तो आपका जाएगा 13/24 और यही रिमेनिंग क्या सी को नहीं मिलेगा, तो सी का प्रॉफिट कितना है आपका 13/24 है और सी ने कितने मंथ के लिए पैसे लगाए हैं, 8 मंथ के लिए। देखिएगा ए ने 1/8 प्रॉफिट कमाया तो 1/8 प्रॉफिट हो गया, कितने मंथ के लिए पैसे लगाया 4 के लिए, कैपिटल का आपका रेशियो कैसे आएगा प्रॉफिट अपॉन में टाइम से, तो प्रॉफिट 1/8 था इसी में हमने 4 का डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद में बी ने आपका 6 मंथ के लिए टाइप पैसे लगाया 1/3 प्रॉफिट क्लेम किया, तो 1/3 प्रॉफिट के नीचे में 6 से डिवाइड कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया उससे टाइम से। सी के लिए देखिए सी का प्रॉफिट कितना है आपका रिमेनिंग 13/24 और इसने कितने मंथ के लिए लगाया था कैपिटल 8 मंथ के लिए। अब इनका आप निकाल लीजिए, इन्हें सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा ये आपका। तो सबसे पहले तो नीचे में आप देखिए तो ये आपका 1/24, ये आपका 1/18 और ये आपका 13/24 × 8। कट करेंगे तो 6 से कट सकता है, 6 4 = 18, 6 3 = 18, 6 4 = 24, तो आपका जाएगा 1/4, 1/3
और ये आपका जाएगा 13 अपॉन में 32। 13 अपॉन में कितना आ गया आपका 32। अब डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को आपको भगाना है तो आप क्या करो, मैंने बोला ए में करना है तो क्या करो, बी और सी के डिनोमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई करो। तो ए में आपका आ जाएगा 3 × 32, बी में आपका आ जाएगा देखिए 4 × 32, सी में आपका आ जाएगा एक 13 पहले से वो तो वैसा ही रहेगा, और आपका आ जाएगा 4 × 3। अब जो जहां पर कट रहा हो कॉमन उसे कट कर दीजिए आप, ये 4, ये 4 गया और ये 4 × 8 = 32 गया आपका, बराबर है इतना, तो अब कर दीजिए 8 × 3 = 24 और यहाँ पर आपका गया है 32, यहाँ पर आ गया 13 × 3 = 39, बराबर। ये आपका कौन सा रेशियो आया है, ये आपका रेशियो आया है इन्वेस्टमेंट का। ये कैसे आया, जब आपने प्रॉफिट अपॉन में टाइम सॉल्व किया तो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिला, बराबर है। अब बोल रहा है कि सी ने इन्वेस्ट कितना किया था, सी ने किया था 1560, यानी इस 39 की वैल्यू हमको पता है, इस 39 की वैल्यू आपके कितने के बराबर है, इस 39 की वैल्यू आपके बराबर है, इस 39 की वैल्यू आपके बराबर में है 1560 रुपीस की। कितने का मल्टीप्लाई करें 39 में कि 1560 पहुंच जाए, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुंच जाएंगे यहां तक, बराबर। हमसे क्या पूछा, हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट, ए ने इन्वेस्ट किया 24, बी ने इन्वेस्ट किया 32, दोनों ने मिलकर के कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 4 to 6 और 3 to 5, तो भी 56 यूनिट की, 56 रेशियो की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 × 40, कर लीजिए 0, एक मिनट, ए एंड बी का दोनों से उन्हें सेपरेट दे रखा है तो दोनों का सेपरेट निकाल लेते हैं, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए ऑप्शन में दोनों का उसने अलग अलग ले रखा है, ए का था 24 तो 24 यूनिट की वैल्यू 24 × 40 तो आपका आ जाएगा ये 39 × 4 = 30 × 120 × 9 = 36, हाँ आपका आ जाएगा 24 × 96 = 960, और बी के बारे में अगर देखा जाए तो 4 गया फिर 32 × 24, हाँ बी का आपका है 32 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 0 × 4 = 8 × 4 = 12, तो आपका आ जाएगा 960 और 1280, ए की वैल्यू ये आ गई आपकी, बी कितनी आ गई, बराबर है। करना कैसे है, प्रॉफिट में टाइम का डिवाइड मारना है तो आपको इन्वेस्टमेंट का मिल जाएगा, क्योंकि सी का इन्वेस्टमेंट हमें पता है, तो अगर हम सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लें जैसा हमने निकाला 39, उसे ओरिजिनल के इक्वल कर दें तो हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सकता है। ए ने 1/8 से प्रॉफिट मांगा था 4 मंथ के लिए लगाया, सी ने 1/3 प्रॉफिट की डिमांड की 6 मंथ के लिए पैसे लगाए, और रिमेनिंग जो आपका था यहाँ पर ये इनका हो गया 8 × 3 = 24, 8 + 3 = 11, तो 13/24 आपका किसने लगाया, सी ने लगाया, और इसने लगाया था 8 मंथ के लिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 6 × 4 = 6 × 3 = 6 × 4 = 1/4 आ गया हमारा, ये 1/3 आ गया, फिर हमारा 13/32 आ गया। अब इसके बाद 3 × 32 आपका 4 × 32, देन आपका आ गया 13 × 4 × 3, 4 से कट कर दिया 4 8 आ गया, 8 × 3 = 24, 32, और ये आपका यहाँ पर आ गया 13 × 3 = 39, और इसी 39 रेशियो की हमको वैल्यू पता है, ये वैल्यू कितनी है हमारी, ये वैल्यू हमारी है 1560 रुपीज, यहाँ पर उसने सी का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दे 4 का 0 × 4 = 36 × 4 = 12 = 3 = 15। अब हमें ए और बी का इन्वेस्टमेंट बताना है, ए का इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 24 यूनिट है, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 960, और बी की 32 यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से कितना आ जाएगा 1280 आ जाएगा, तो अभी आपका क्या आ जाएगा आंसर, नन ऑफ दिस, आपके ए बी सी डी में से किसी में ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपका आंसर कहाँ पहुंच जाएगा, नन ऑफ दिस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपका क्या है कि ए एंड बी रेंट पास्टेड फॉर 10 मंथ्स, ए पुट्स इन 100 काउस फॉर 8 मंथ्स, हाउ मेनी काउस कैन बी पुट इन फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स इफ ही पेस 3/2 मोर देन ए। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ रेंट वाली बात आ गई कि किसी ने कुछ एरिया को रेंट पे ले रखा था तो उसका उन्हें किराया कैसे देना है, ये ऐसा कुछ या फिर कितने टाइम के लिए यूज करें कि वो इतना किराया दें, सेम पहले जैसा इतना है। यहाँ पर क्या होगा आपका कि किसने कितने टाइम के लिए यूज किया, किसने कितने टाइम के लिए और कितना यूज किया, किसने कितने टाइम के लिए कितना यूज किया, उस पर इसमें आपका बनता है। ए और बी दो लोग हैं आपके, अब ए ने क्या किया है, इन्होंने रेंट पर लिया 10 मंथ के लिए, तो पूरा पूरा जो हमारा टाइम होगा कि कितने टाइम के लिए और भी यूज करेंगे, वो पूरा टाइम हमारे पास में लिमिटेड है, कितना है 10 मंथ्स का है। ए पुट्स 100 काउस इन 2 मंथ्स,
इन्हें 100 काउस लगाए, यानी क्या हुआ कि 100 काउस के लिए उसने इसको यूज किया, और कितने मंथ के लिए यूज किया इसने, 8 मंथ के लिए यूज किया। कितना यूज किया, कितने मंथ के लिए किया, 100 काउस को रखा, 8 मंथ के लिए यूज किया। अब बी के लिए पूछा हाउ मेनी काउस कैन बी पुट, यानी बी कितने काउ पुट करे नहीं मालूम है, एक्स कर दें। और कितने टाइम के लिए बी को करना है, फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स, क्योंकि देखो पूरा 10 मंथ के लिए उन्होंने लिया था, 8 मंथ ए यूज कर चुका, तो रिमेनिंग 2 मंथ के लिए बी ने यूज किया। अब बोल रहा है कि इफ ही पेस 3/2 मोर देन ए, अब देखिए ये मल्टीप्लाई करने पर हमें वहां पर लास्ट में क्या मिलता था, इससे पहले कैपिटल इंटू टाइम करने पर हमें मिलता था प्रॉफिट। यहाँ पर है कि किसने कितने कितना कंज्यूम किया, मीन्स कितना यूज किया और कितने टाइम के लिए किया, ये करने पर आपका इनका रेंट आ जाएगा कि कितना उनको रेंट पे करना है। अब क्या बोला, इफ ही पेस 3/2 मोर देन ए, अब देखिए ए अगर 1 रुपीज दे रहा हो तो बी कितना देगा, 3/2 मोर देन ए, यानी 1 प्लस कितना है ए का 3/2, इस 1 का 3/2 हिस्सा, तो ए अभी कितना देगा, ए ने तो 1 दे ही रहा था, बी कितना देता है, ही पेस 3/2 मोर देन ए, 3/2 मोर देन ए, 3/2 मोर देन ए, ए का इतना पार्ट देगा ही देगा बी, और प्लस इससे 3/2 ज्यादा, तो ए का हिस्सा है 1, तो 1 का 3/2 वैल्यू, तो आपकी आ जाएगी 1 प्लस 3/2, तो आपका आ जाएगा 2 1 2 प्लस 3, आपका आ जाएगा 5/2। मीन्स ए अभी अगर 1 रेंट दे रहा है तो बी रेंट कितना देगा, 5/2 देगा। अब देखिए इसमें आपका फ्रैक्शन में 2 आ गया, तो 2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 2:5। ठीक, अब देखिए आपकी यहां पर 2 वैल्यूज आ चुकी है एक ही रेशियो की, एक आपका ए ने किया 100 × 8, बी ने किया x × 2। अब इनके सामने में इनके किराए का रेशियो कितना आ गया है कि ए अगर 2 दे रहा है तो बी आपका कितना दे रहा है, 5। तो जब भी एक ही चीज के आपकी 2 रेशियो आ जाए तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका इधर में आ जाएगा 100 × 8 × 5 इक्वल में आपका आ जाएगा ये 2 × 4 × x। अब 4 से आप इधर में कट कर दो, 4 × 8, अब x बराबर आपका 5 × 10 हो जाएगा, ये आपका 2 0 पहले से, 1 0 और हो गया, तो x के लिए आपकी कितनी आ गई है, 1000। तो b को कितने काउज अभी पुट करने होंगे कि वो इतना रेंट भरे, तो b को भी 1000 काउज पुट करने होंगे। करना कुछ नहीं है, जब भी रेंट वाला आता है तो सीधी सी बात होती है कि किसने कितने टाइम के लिए यूज किया और कितना यूज किया। ए ने 8 मंथ यूज किया, बी ने 2 मंथ यूज किया, बी कितना यूज करे तो हमने एक्स मान लिया, ए 100 काउस के लिए यूज करता है तो 100 × 8 हो गया। अब इंसिन का क्या आएगा, इनके रेंट का रेशियो आ जाएगा कि किसको कितना रेंट पे करना है। ए को हमने मान लिया अगर 1 रुपीज दे रहा है, तो बी के बारे में बोला है कि बी के लिए बोला है कि ही फी पेज 3/2 मोर देन ए, ए का हिस्सा तो देगा ही और इससे 3/2 ज्यादा और देगा, तो 3/2 देखिए 1 ए का हिस्सा था तो इसका 3/2 निकाला, आपका आ गया 3/2, 1 + 3/2 कितना आ गया, 5/2। अब देखिएगा ए और बी के अगर रेंट का आप रेशियो निकालो, ए अगर 1 रुपी दे रहा है तो बी कितना दे रहा है, 5/2, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई, हमें रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करें अगर 2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, तो वही हमने कर दिया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो इन दोनों का रेंट का रेशियो कितना आ गया, 2:5, यही वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर पुट कर दी, बराबर है। अब मैंने बताया कि जैसे ही आपको किसी भी एक वैल्यू की ही 2 रेशियो मिल जाए तो उन्हें ऊपर नीचे लिखकर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब हमने तो 500 × 8 × 5, दूसरी ओर 2 × 4 x आ गया, 4 से कट किया 2 × 8, 5 × 2 × 10, 10 बढ़ा दिया, 1000, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹50,000 and ₹20,000, इफ ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ए वर्किंग पार्टनर है और टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का 20% ले लेता है एज हिज सैलरी, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमाउंट टू देयर कैपिटल, इट डिवाइडेड अमाउंट टू देयर कैपिटल। अब बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उन्हें उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। और बोला इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव्ड ₹38,000 मोर देन बी, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो करते हैं, ए बी 2 लोग हैं, इन्होंने 50,000 20,000 लगाया, मैंने बोला था कि आगे हम नंबर्स को थोड़ा छोटा लिखेंगे, इन 1000 1000 को हम कट कर सकते हैं। अगर ए ने 50 रुपीज लगाए तो बी ने कितने लगाए, बी 20 रुपीज लगाए। टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब है कि दोनों ही बराबर टाइम तक रहे तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर इसमें 12 12 लगाओगे तो वो भी कट जाएंगे,
तो जब भी किसी कार्य में टाइम कुछ नहीं दिया हुआ है और दोनों क्या ने बोल रहा कि बराबर टाइम तक रहे, तो उन्हें ऐसे ही हम उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट देते हैं। तो ए ने लगाया 50 रुपीज, बी ने लगाया 20 रुपीज, तो अब इसी रेशियो में इनको मिल जाएगा इनका प्रॉफिट। तो इनका प्रॉफिट अभी इस रेशियो में कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए एज अ वर्किंग पार्टनर वर्क करने के से 20% ले लेता है, तो इसका 20% अगर ले ले तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10%, 7, 20%, 14। तो 14 अगर उसने ले लिया तो अभी प्रॉफिट कितना बचा, 56। अब इस 56 में से बटेगा, और ए को बोल रहा है कि 38,000 मोर देन मिलता है। ए को क्या मिलता है, 38,000 मोर देन मिलता है। मीन्स ए के प्रॉफिट में से अगर आप बी के प्रॉफिट को माइनस करो तो आपका कितना आएगा, ये आपका बराबर होगा 38,000 के। हमें यही तो बोल रखा है, इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव रुपी 38,000 मोर देन बी। ए को कितना मिलेगा, ए को पहले तो ये 20% वाला हिस्सा बी मिल चुका है 14 रुपीज, फिर ए को क्या मिलेगा, देखो 56 रुपए बचा है। अब 56 में से देखो ए को कितना मिलना है, अगर आप इन दोनों का भी सिंप्लीफाइड रेशियो निकालो तो अभी कितना आ जाएगा आपका, 5:2। अब इस 5:2 में एट लास्ट में आपको कितने रुपए बांटने हैं, 56 रुपए बांटने हैं, क्योंकि 14 रुपए लेकर के जो आपका 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ था उसमें से 14 रुपए लेकर के आपका ए भाग गया, क्योंकि ए को बोला गया था कि एज अ वर्किंग पार्टनर 20% मिलेगा, तो 70 का 20% उसने 14 निकाल लिया, तो अभी पैसा कितना बचा, 56। अब इसे कौन से रेशियो में बांटोगे, आप इन्हें कैंसिल कर लो ये 0:0, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 5:2। तो देखिए ए को कितना मिलेगा, ए को 5 मिलेगा, आउट ऑफ कितना, 5 + 2 आपका ये कितना होगा, ये आपका आपका 7 प्रॉफिट होगा, तो 5/7 मिलेगा, और कितना है आपका 56, 56 का 5/7 ए को मिलेगा, बराबर है। अब देखिए बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है आपका 2, टोटल प्रॉफिट कितना है 5 × 2 = 7, और हमारे सामने में प्रॉफिट दे कितना रखा है 56, और ये बराबर आपका कितना है 38,000 के। बस ये इक्वेशन, इसके बाद में पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। बराबर है, देखिए क्या करना है, 50,000, 20,000 उन्होंने लगाया, मैंने लिख लिया कि ए ने 50 लगाया, बी ने 20 लगाया। अब अगर इन्हें हम ऐड करें, देखिए 0:0 इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि आपके आगे डेसिमल में ना है जब 20% निकाल रहा हूँ, तो इनका प्रॉफिट इन पूरा कितने में बटेगा, 70 में। टाइम कुछ नहीं दे रखा है, नहीं दोनों ने इक्वल टाइम के लिए लगाया, अगर आप इनके लिए यहाँ पर 1 ईयर लगाओगे, यहाँ पर 1 ईयर लगाओ, तो दोनों ईयर और जो भी आप वैल्यू लगाओगे इक्वल में ही आएगा टाइम का, तो वो कट जाएगा, तो उन्हें लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अभी क्या होगा इस कंडीशन में इनका, कि जिस रेशियो में उन्होंने पैसे लगाए हैं इन्वेस्ट किया, उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, बराबर। तो इसी 50-20 के रेशियो में इनका प्रॉफिट जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट हम देखें कितना है, 70। अब इसका 20% माइनस करें तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 56। अब इस 56 में से ए और बी को बांटना है, क्योंकि ये 14 रुपीज ए लेकर जा चुका, हमें दे रखा है इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव रुपी 38,000 मोर देन बी, 38,000 मोर देन बी, तो ए को पहले 14 मिला और प्लस क्या मिला, टोटल प्रॉफिट 5 + 2 = 7। अभी 7 में से 5 किसका हिस्सा है, ए का, और कितना प्रॉफिट बचा अभी, 56, और माइनस करना है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना, 2/7 ऑफ 56। अब करिए इसको, ये आपका आ जाएगा 14, वैसे कट करिए 7 × 8 = 40, 4×50 = 54, 54 आ जाएगा आपका, 7 × 8 = 40, 40 हाँ ये आपका आ जाएगा 10, 54, ये आपका आ जाएगा 7 × 8 आपका आ जाएगा 60, और ये बराबर आपके कितने के है, 38,000 के बराबर है। 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, और फिर आपका 4 में से 1 गया 3, 38 की वैल्यू आपके कितने के बराबर है, 38,000 की। तो 1 की वैल्यू आपके लिए कितने के बराबर है, 38 × 1 = 38, तो 1 की वैल्यू आपके बराबर है 38,000 की। हमसे क्या पूछा है, फाउंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब देखिएगा टोटल प्रॉफिट हमारा था कितना, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था, 70 था, तो टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा, 1 की वैल्यू 1000, तो 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 × 1000 बराबर आपका आ जाएगा 70,000, तो आपका गया ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, है ठीक है, बराबर। दोनों का पहले प्रॉफिट निकाल लिया, उसका 20% ए को दे दिया, अब जो बचा उसमें से फिर उनका जो प्रॉफिट का रेशियो, उसमें उनको प्रॉफिट बांट दिया गया,
क्योंकि बोला गया था कि रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमाउंट टू देयर कैपिटल, उनके अमाउंट जो जैसा उनका कैपिटल था उसी के अकॉर्डिंग उनको रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया गया है। अब 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स विद अ कैपिटल रुपी 8 लाख, 12 लाख एंड 15 लाख एंड दे डिसाइड टू शेयर। 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अमाउंट टू देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वो प्रॉफिट किस में बांटेंगे? उनके रेशियो ऑफ कैपिटल बांटेंगे। बट इज वर्किंग पार्टनर, ए वर्किंग पार्टनर है एंड 12 1/2% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज सैलरी ले जाएगा। If A receives rupee 5200 from the business, find the amount of total profit. Find the amount of total profit. तो A B C का पहले आप रेशियो देखो क्या आएगा आपका? 8 लाख किया तो हम 8 लिखते हैं, B ने 12 लाख किया 12 लिखते हैं, C ने 15 लाख किया 15 लिखते हैं, तो इजी रहेगा, छोटा जाएगा। अब इनको ऐसे टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर ये कैपिटल के रेशियो में ही अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं तो इनका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखें तो 15 12 27 27 आपका कितना जाएगा? 35। इतना ही था इनका, 8 12 15 लाख, 5 2 7 8 15 1 1 2 1 3, इनका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 35 हो गया। अब बोल रहा है कि बट ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 12 1/2% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज सैलरी। इफ ए रिसीव्स 5200 फ्रॉम द बिजनेस, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब इस 35 में से क्या होगा? इसका 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती 1/8। अब इसका 1/8 ए ले जाएगा, तो ए को कितना मिल जाएगा? ए को इसमें से मिल जाएगा हिस्सा 35 का 1/8। तो रिमेनिंग आपका कितना बचेगा? अब देखिए, 8 में से एक पार्ट अगर 35 ले गया, 8 में से वन पार्ट अगर ए ले गया आपका, तो ए के पास कितना बचेगा? सॉरी, रिमेनिंग आपका कितना बचेगा? 8 में से वन पार्ट अगर ए ले गया तो 7 पार्ट बच गया, तो बाद में आपके पास कितना बचने वाला है? 35 × 7/8। अब इसे भी इनको इसी रेशियो में बांटना है जिसमें इनका कैपिटल का रेशियो था। कौन सा रेशियो? 8:12:15 में। अब बोला है इफ ए रिसीव्स रुपी 5200 फ्रॉम द बिजनेस, तो ए को पहले तो ये मिला आपको, ए को पहले कितना पैसा मिला? ए को पहले मिला है 35 का 1/8 पार्ट, बराबर है। अब दूसरा देखो, रिमेनिंग आपका कितना बचा है? रिमेनिंग आपको बचा है 35 × 7/8, ये रिमेनिंग। अब इस रिमेनिंग में से इसको ए को कैसा मिलेगा? जैसा उनका कैपिटल का रेशियो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि ये जो 12 1/2% ये उसको क्या हो, उसके वर्किंग पार्टनर होने की वजह से मिला, और बाकी जो साझेदार है, जो पार्टनर है, उसकी वजह से इसको और पैसे मिलेंगे। और पैसे किस में मिलेंगे? आपको इस रेशियो में मिलेंगे, जो रेशियो इनका कैपिटल का रेशियो है, क्योंकि इसी में उन्होंने अपना प्रॉफिट बांटना डिसाइड किया है, तो अभी को प्रॉफिट देना है। तो ए का पार्ट कितना है? 8। ए का पार्ट कितना है आपका? ए का पार्ट है आपका 8। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 35। और रिमेनिंग आपका है कितना? ये रहा आपका अमाउंट जिसे आपको बांटना है, ए को देना है। तो ए का प्रॉफिट कितना है? 8। और टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है आपका रेशियो में 35। अब इन्हें बस कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कि लिखने से फायदा क्या हुआ, अभी फ्रैक्शन लग रहा था, अभी सारी वैल्यूज कटती हुई जा रही हैं। 35 गया आपका, 8 गया आपका, और ये टोटल ए का प्रॉफिट था कितने के इक्वल? ये टोटल ए का प्रॉफिट आपका था 5200 के इक्वल, ठीक है। हमसे उसने पूछा अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 35 8 प्लस में यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 और इक्वल में आपका है 5200। थोड़ा इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे जब हम करें 7/1 मान लीजिए, तो 8 1 8 आ जाएगा आपका, ऊपर में आपका आ जाएगा 35 प्लस 56 में आपका आ जाएगा ये 8 7 56, और ये बराबर आपके है 5200 रुपीस के। 6 5 11 5 3 8 1 9 91 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5200 मल्टीप्लाई बाय 8 के, 13 7 13 4। अब देखिए, 7 यूनिट की वैल्यू आपकी बराबर में हो जाएगी 400 मल्टीप्लाई 8 के।
आपको 35 चाहिए तो दोनों और आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इधर भी मल्टीप्लाई, 5 का इधर भी मल्टीप्लाई, यहाँ इधर में आपका आ जाएगा 75 35, इधर में आपका आ जाएगा 75 35, और दूसरी साइड में आपका आ जाएगा ये 5 8 40, आपका आ जाएगा 4 4 16,000 रुपीज आंसर। ये आपका हो गया 10 का ऑप्शन नंबर बी, बराबर है। देखिए करना क्या था, उसने बोला है कि इनका कैपिटल है 8 12 15, हमने उनका रेशियो लिख लिया 8 12 15 का, देन दे डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अमाउंट टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो उनके जो कैपिटल का रेशियो 8 12 15 आया उसी में उनको प्रॉफिट को शेयर करना है, तो टोटल प्रॉफिट रेशियो में उनका कितना आ गया 35, ये उनका टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना आ गया 35। अब इसका 1/8 ए को मिला, तो ए को मिल गया 35 का 1/8 पार्ट, और ये किस लिए मिला, ये मिला उसको वर्किंग पार्टनर होने की वजह से, उसने दे रखा था 12 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वाली देखिए आप निकालोगे 1/24 1/25, 25/2% आएगा, परसेंटेज हटाते हो तो आप 100 का डिवाइड करते हो 25 4 100, ये आपका कितना आ जाता है 1/8, तो वही 1/8 पार्ट हमने ए को दिया था। तो ए को देने के बाद में आपका रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट देखिए 8 में से 1 पार्ट ए को दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा 7 out of 8, बराबर है। तो ए को जो मिला 35 का 1/8 और प्लस जो रिमेनिंग था 35 into 7/8, इसका भी तो ए को देखिए 8 हिस्सा मिलेगा और टोटल हिस्सा कितना है 35 में से, तो 8/35 से रिमेनिंग को मल्टीप्लाई किया और इक्वल में ए को कितना देने के बारे में बोल रखा था 5200। हमें देखिए यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, 7 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 400 multiplied by 8, हमें बताना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आता है बेटा 35 आता है, तो 35 लाने के लिए क्या करें, इधर में 5 का मल्टीप्लाई करें, 7 5 आपका कितना आ गया 35, अब इक्वल में इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया था 5 8 40 30 आ गया 4 4 16 16,000 रुपीज आपका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।